ए कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर वन फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान को भरो फिल मतलब भरना इन द ब्लैंक्स खाली जगह में भरो पहला है द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कैन बी टच्ड ईच कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर का पार्ट्स कैन बी टच जो छू सक जा सकता है जिसको छुआ जा सकता है इज कॉल्ड कहलाता है हार्डवेयर तो क्या भर देंगे हार्डवेयर पेन ड्राइव इच फिर डिवाइस पेन ड्राइव है क्या है हार्डवेयर डिवाइस नंबर कीज जो नंबर कीज होते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड द डेसीमल पॉइंट आर कॉन्सिस्ट ऑफ जो डेसीमल पॉइंट होता है वो डिपेंड होता है उसमें सब कुछ होता है कि इसमें ये न्यूमेरिक कीपैड में नंबर कीज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड डिशमल पॉइंट किस में होता है न्यूमेरिक की पैड में तो यहाँ पर भर देंगे न्यूमेरिक की पैड एक कंप्यूटर सिस्टम इज़ कैटेगराइज इन टू कम्प्यूटर सिस्टम कैटेगराइज होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू टाइप्स आप सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ए माउस इज द पॉइंटिंग डिवाइस ए माउस होता है क्या पॉइंटिंग डिवाइस माउस को हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर में फिर ट्रू एंड फॉल्स ए कंप्यूटर सिस्टम हैड टू मेन पार्ट्स ए कंप्यूटर सिस्टम होता है दो मेन पार्ट तो ट्रू सी यू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट सी यू को हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट तो ट्रू एल ई डी लैंड स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर, एल ई डी स्टैंड फॉर एल ई डी को हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर, तो ट्रू होगा कीबोर्ड हैड हंड्रेड कीज़ कीबोर्ड में सौ कीज होती हैं तो फॉल्स यहाँ पर होगा सौ से अधिक होती हैं इसलिए ये फॉल्स है जॉस्टिक इज़ ए हार्डवेयर डिवाइस जॉस्टिक क्या है एक हार्डवेयर डिवाइस तो यहाँ पर होगा ट्रू एक कंप्यूटर डिस्प्लेज आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा तो यहाँ पर क्या होगा एक कंप्यूटर डिस्प्लेज आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा एक कंप्यूटर डिस्प्ले करता है आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा प्रोसेसिंग के बाद ये गलत है यहाँ पर होगा ट्रू इसको ट्रू लिख लेना यहाँ पर है कंप्यूटर डिस्प्ले आउटपुट प्रोसेसिंग द डाटा कंप्यूटर डिस्प्ले करता आउटपुट प्रोसेसिंग डाटा तो ट्रू होगा पहला क्वेश्चन है रिग वांट्स टू रिकॉर्ड वाइस रिग चाहता है आवाज़ को रिकॉर्ड करना ऑन द कंप्यूटर कंप्यूटर पर विच डिवाइस कैन ही यूज वह कौन सा डिवाइस यूज़ करेगा तो आंसर होगा ही कैन यूज़ माइक्रोफोन वह माइक्रोफोन यूज़ करेगा दूसरा है अरुण टीचर हैज आस्क टू टेक आउट हंड्रेड कॉपीज ऑफ द एनुअल डे सेलिब्रेशन इन्विटेशन लेटर विच डिवाइस अरुण विल यूज टू गेट द कापीज कह रहा है कि अरुण टीचर है अरुण के टीचर ने कहा टू टेक लेने के लिए आउट टेक आउट लेने के लिए सौ कापीज सौ कापीज बनाने के लिए ऑफ द एनूअल डे सेलिब्रेशन एनुलअल डे सेलिब्रेशन करने के लिए इनविटेशन लेटर इनविटेशन लेटर बनाने के लिए विच डिवाइस अरुण विल ही यूज टू गेट द कापीज कापीज़ बनाने के लिए वह कौन सा अरुण डिवाइस यूज करेगा तो अरुण विल यूज प्रिंटर अरुण प्रिंटर यूज़ करेगा तरुण इज ए रीडिंग द सॉफ्ट कापी ऑफ ए स्टोरी तरुण सॉफ्ट स्टोरी को रीड करने के लिए सॉफ्ट कापी यूज करता है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर तरुण इज यूजिंग कौन सा पार्ट कंप्यूटर का वह यूज़ कर रहा है तो तरुण यूजिंग मॉनिटर मॉनिटर का वो यूज कर कर उसको पढ़ेगा अंकित वांट टू डिज़ाइन पेंटिंग आने कंप्यूटर। अंकित वांट चाहता है डिजाइन करना पेंटिंग आने कंप्यूटर पर तो विच डिवाइस कौन सा डिवाइस यू ल, यू विल सजेस्ट आपको सजेस्ट करता है टू हिम टू डिज़ाइन उनको डिजाइन करने के लिए ए ब्यूटीफुल ड्राइंग एक सुंदर डिजाइन तो आंसर होगा ही शील्ड यूज माउस वह माउस यूज करेगा विच सॉफ्टवेयर इज इसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सा सॉफ्टवेयर जरूरी है काम करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में तो आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर दूसरा है विच स्टोरेज डिवाइस इज़ यूज टू स्टोर द डाटा कौन सा स्टोरेज डिवाइस स्टोर करता है डाटा तो आंसर होगा हार्ड डिस्क फिर होगा विच डिवाइस गिब्स आउटपुट ऑन पेपर कौन सा डिवाइस आउटपुट देता है पेपर पर तो प्रिंटर क्वेश्चन फिर है विच डिवाइस इज इंस्टॉल्ड इन द सी पी यू कैबिनेट कौन सा डिवाइस सी पी यू कैबिनेट में यूज होती है तो हार्ड डिस्क यहाँ पर लिखेंगे हार्ड डिस्क वाट इज द नेम गिवेन टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम फिजिकल कंपोनेंट वाट इज द नेम नाम क्या है वाट इज़ द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का फिजिकल कंपोनेंट का क्या नाम से बोलते हैं तो हार्डवेयर यहाँ पर आंसर होगा हार्डवेयर फिर है व्हाट इज़ द कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम क्या है तो कंप्यूटर सिस्टम इज़ वेरी पावरफुल मशीन कंप्यूटर सिस्टम बहुत पावरफुल मशीन होती है इट इज़ यूज आलमोस्ट एवरीवेयर यह हर जगह प्रयोग होती है डिफाइन हार्डवेयर एंड गिव द थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ इट हार्डवेयर को डिफाइन करिए उसके तीन एग्जाम्पल दीजिए तो हार्डवेयर इज़ द फिज़िकल पार्ट ऑफ़ द कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर क्या है फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का विच यू कैन सी टच एंड फील जहाँ पर उसे टच एंड फील कर सकते हैं एग्ज़ाम्पल में मॉनिटर सीपीयू एंड माउस वट इज द सॉफ्टवेयर एंड नेम्स ऑफ इट्स टाइप सॉफ्टवेयर क्या है उसके टाइप्स बताएं तो एसेट ऑफ स्टेप इंस्ट्रंक्शन एसेट ऑफ स्टेप इंस्ट्रंक्शन जहाँ सेट है स्टेप इंस्ट्रक्शन का गिवेन टू तो ए कंप्यूटर जो कंप्यूटर को देता है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज सॉफ्टवेयर उसको हम सॉफ्टवेयर से जानते हैं एग्जाम्पल में सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उदाहरण में सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अप्लीकेशन